उत्तर प्रदेश में तमाम क्षेत्रीय सामाजिक और जाति समीकरण साधने की दिशा में बीजेपी ने फिलहाल अपना ऑपरेशन ब्राह्मण तेज कर रखा है। तमाम नेताओं से उनके बात हो रही है, लेकिन विप्र समाज की कथित नाराजगी को साधने के लिए सबसे बड़ी राज की बात यह है कि कैसे नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के जरिए संदेश दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वानगी है मुख्य सचिव पद पर दिल्ली से भेजे गए दुर्गा शंकर मिश्र। और आपको बता दें, मिश्र को जिस रणनीति और राजनीति के तहत भेजा गया और जिस तरीके से भेजा गया है, इसके न सिर्फ राज बड़े हैं बल्कि प्रभाव भी खासे बड़े हैं। आप सोच सकते हैं कि अभी तक जो मुख्य सचिव थे आरके तिवारी, वो भी तो ब्राह्मण थे। इससे पहले अनूप चंद पांडे भी ब्राह्मण थे। फिर दुर्गा शंकर मिश्रा को ब्राह्मण कार्ड से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो पहले ये समझ लीजिए कि राजनीति में कभी भी 2+2 4 नहीं होता। वैसे तो ये भी अजीब है कि राजनीतिक दलों और सरकार में जाति या संप्रदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर समायोजन होता है, लेकिन नौकरशाही में भी ये होता है क्या? उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं नकार सकता है, बीजेपी भी नहीं। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ में एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम और एक ओबीसी डिप्टी सीएम यानी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। इसके पीछे जाति संतुलन साधने की ही कवायद थी। लेकिन आपको राज की बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय का जो सबसे पावरफुल फ्लोर है, वहां पर कौन सा अधिकारी किस तरीके से तैनात है, इसको लेकर भी राजनीतिक कॉरिडोर में चर्चा होती है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल का दबदबा हमेशा से रहा है। पूर्वांचल से राजपूत चेहरा आने के बाद खास तौर से बीजेपी की सियासत के लिए ब्राह्मण और गैर यादव ओबीसी के बीच संतुलन कायम रखना चुनौती थी। डिप्टी सीएम मौर्य के रूप में एक कद्दावर पिछड़ा चेहरा तो यूपी में था, लेकिन दिनेश शर्मा ब्राह्मणों के बीच उस तरह का चेहरा कभी नहीं बन पाए। फिर ब्राह्मण बनाम ठाकुर का जाति विमर्श पूर्वांचल में ही ज्यादा रहा है। इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को अध्यक्ष बना दिया था। वह भी पूर्वांचल से हैं और केंद्र में मंत्री थे। 2019 में जीत के बाद महेंद्रनाथ पांडे को केंद्र में फिर वापस लाकर स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़ों में ताकतवर कुर्मी समुदाय के बीच संदेश दिया गया। इसके बाद योगी सरकार पर जातिवाद के गंभीर आरोप विपक्षी दलों की तरफ से उठाए गए। संगठन और सरकार के भी कुछ कोनों से ये बातें उठी, तो उसको दुरुस्त करने के लिए तुरंत आला कमान ने कमान संभाली और तमाम एससी ओबीसी मंत्री बनाकर उनके पोस्टर तक छापे गए। लेकिन विप्र समाज की नाराजगी को देखते हुए अब उस पर भी कोर्स करेक्शन शुरू किया गया है। अब राज की अहम बात ये जानिए कि दुर्गा शंकर मिश्र का किरदार क्या है। आईआईटी से पढ़कर निकले और आईएएस बने मिश्र की करीबी पिछली सरकार में सबसे ताकतवर रहे नृपेंद्र मिश्र से रही है। साथ ही यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और अब चुनाव आयोग में आयुक्त अनूप चंद पांडे उनके अच्छे मित्र हैं। सबसे बड़ी बात, उस पूर्वांचल से हैं जहां ब्राह्मण और ठाकुर का विमर्श ज्यादा चलता है और दुर्गा शंकर मिश्र की छवि दमंग और काबिल अफसरों में मानी जाती है। एक और राज की बात, यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब तब दुर्गा शंकर मिश्र को चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हों या फिर अखिलेश यादव, दोनों ने हाशिए पर रखा। इसके उलट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अच्छी तैनातियां दी। बीएसपी और सतीश चंद मिश्र के साथ उनकी केमिस्ट्री एंड चुनाव से पहले काफ़ी दिलचस्प हो जाती है और इसके मायने भी सियासी गलियारों में पढ़े जा रहे हैं। राज की बात है कि योगी सरकार फिलहाल आरके तिवारी को ही मुख्य सचिव पद पर देखना चाहती थी और अभी आरके तिवारी का कार्यकाल भी अच्छा खासा बचा हुआ था, लेकिन उनको बीच में ही हटाकर दुर्गा शंकर मिश्र को भेजा गया। और ये केंद्रीय नेतृत्व को पता था कि इस नियुक्ति के खासे मायने निकाले जाएंगे, यानी वो चाहते थे कि इसके निहितार्थ उत्तर प्रदेश की सियासत में पढ़े जाएं और समझे जाएं, मतलब एक तीर से कई निशाने साधे। चलते चलते एक और राज की बात, ये राज की बात आपकी सेहत से जुड़ी है, लेकिन आपकी शारीरिक सेहत नहीं, आपकी आर्थिक सेहत से। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के चलते कहीं जैसे कोरोना में
पूरे देश या बल्कि दुनिया की आर्थिक रफ्तार सुस्त हो गई थी या रसातल में चली गई थी। ऐसी स्थिति ना बनने पाए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रैक टीम गठित कर दी है। इस क्रैक टीम की अध्यक्षता एक तरीके से गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी और साथ ही आधुनिकता और निर्माण में अपना नाम कमा चुके नितिन गडकरी होंगे और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवाडिया होंगे। इस टीम का उद्देश्य ये होगा कि देश में उद्योग जगत को जो भी फैसला उस समय लेने की ज़रूरत है, एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम होगा कि क्या नीति उस समय बनाई जाए, टैक्स से लेकर क्या रिफॉर्म तत्काल करने हो तो तुरंत उसको अमल में लाया जाए ताकि देश की आर्थिक रफ्तार सुस्त ना होने पाए और लगातार प्रगति पथ पर बनी रहे। ABP News आपको रखे आगे।